मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का लास्ट और आज का हमारा जो टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। क्या है भाई? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हम इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए बेटा, मैं आपको ये बताता हूँ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट पास करते हैं तो वो कंडक्टर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि गर्म हो गया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। दैट इज़ कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। क्योंकि इस हीटिंग इफेक्ट को किसने बताया था? जूल ने बताया था। तो मैं आपको बता देता हूँ, व्हेन करंट पास थ्रू कंडक्टर, कंडक्टर फॉर सम टाइम, देन कंडक्टर बिकम्स हॉट, दैट इज टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर बिकम्स इंक्रीज। उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इसको क्या बोल देते हैं हम? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ये ध्यान रखना है। अब हम जैसे कि इसमें काफ़ी सारे एप्लीयंस आते हैं, इसमें हम ये कहेंगे कि भाई इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, क्योंकि हमने जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी, ये आपने याद रखना है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत सारे एप्लीयंस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लिखना चाहें, हमारे पास जैसे कि हीटर होता है भाई, जैसे कि हम गीजर का यूज करते हैं, आयरन होती है हमारे पास, फ्यूज होता है, बल्ब होता है, ये सब हीटिंग एलिमेंट्स हैं जो गर्म हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हीटिंग इफेक्ट पर काम करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, कॉज ऑफ हीटिंग, कॉज ऑफ हीटिंग, ये गर्म होने का कॉज क्या है, रीजन क्या है, वो आपको समझना है। जैसे ही हम किसी भी कंडक्टर में करंट पास करते हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होना शुरू करते हैं, मतलब हम ये कहेंगे व्हेन करंट पास देन इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, डायरेक्शन भी बता देते हैं, किसकी तरफ जाना शुरू कर देते हैं भाई? पॉजिटिव एंड की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, मतलब उनके पास क्या आ जाती है भाई? काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, दैट इज दे हैव काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी आती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करते हैं और किसके साथ कोलिजन करना शुरू कर देते हैं? जो वहाँ उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर या आयन्स हैं उनके साथ क्या करना शुरू कर देते हैं? कोलिजन शुरू कर देते हैं, देन कोलिजन स्टार्ट्स विद, किसके साथ कोलिजन स्टार्ट हो जाता है भाई? हम लिख देंगे एटम्स, या फिर आपके पास आयन्स हैं, आयन्स का मतलब है जैसे सेल के अंदर भी पास होते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, आयन्स होते हैं, और उनके साथ कोलिजन स्टार्ट हो जाता है, समझ आ गया? विच इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ, विच इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम्स। जो एटम्स हैं उनका क्या क्या इंक्रीज हो जाता है? जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो क्या हो जाता है? वाइब्रेशन ऑफ एटम्स, समझ आ गया?
जो हमने एटम लिए हुए हैं उनका जो वाइब्रेशन हुआ था वो उनके कोलिजन की वजह से क्या हो जाता है, उनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, और उसके इंक्रीज होने से देन ड्यू टू दिस अगर उनका वाइब्रेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा भाई, उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीज, समझ आ गया, टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा भाई इंक्रीज हो जाएगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो हीट अप हो जाएगा, दैट इज दैट मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू हीट एनर्जी, समझ आ गया होगा भाई। तो ये तो हमने रीजन बता दिया, अब कोई भी आपके पास कंडक्टर है या कोई भी आपके पास रेजिस्टेंस है, आपने कहा ये आर रेजिस्टेंस है, ये ए पॉइंट है और ये क्या है बी पॉइंट, और इसमें से कितना करंट पास हो रहा है, आई करंट पास हो रहा है, मैं लिखता हूँ हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान से समझना है भाई, इलेक्ट्रिक करंट, और हमने डायग्राम भी बना दिया कि आपने क्या किया, एक रेजिस्टेंस ले लिया जिसमें आई करंट पास किया, मतलब हम क्या कहेंगे, लेट क्यू बी द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रो इन टाइम टी, हम कह सकते हैं लेट क्यू बी द चार्ज पास थ्रो इन टाइम टी, भाई इसमें आई करंट पास हो रहा है, आर रेजिस्टेंस है, तो हम क्या कहेंगे कि क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो गया, देन क्यू इज इक्वल टू क्या लिख देंगे आई टी, अरे करंट मल्टीप्लाई बाई टाइम ही तो होता है चार्ज, हमने लिख दिया क्यू इज इक्वल टू आई टी। अब हम क्या कह सकते हैं अगले पॉइंट में, मैं कह देता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर पोटेंशियल है वी ए, यहाँ पर कितनी है वी बी, तो हम क्या कह देंगे बेटा वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आई आर, इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा डिक्रीज इन पोटेंशियल, बोलो कह सकते हैं कि डिक्रीज इन पोटेंशियल, भाई ये हाई पोटेंशियल है ये क्या है लो पोटेंशियल, तो वी ए से वी बी पहुँच गई तो इतने डिक्रीज हो गई ना माइनस हो गई, तो हम इसको क्या कह सकते हैं डिक्रीज इन पोटेंशियल इज गिवन बाई चार्ज, जो चार्ज मूव कर रहा है उस चार्ज के द्वारा कितनी पोटेंशियल डिक्रीज हो गई, वी इज इक्वल टू आई आर, देन पोटेंशियल एनर्जी इज, देन पोटेंशियल एनर्जी यू, भाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिफरेंस या डिक्रीज इन पोटेंशियल, बोलो पढ़ा था कि नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास आई टी मल्टीप्लाई बाई वी ए माइनस वी बी की वैल्यू क्या है हमारे पास आई आर, तो हमारे पास भाई यू इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा आई स्क्वेयर आर टी, क्या आ गया हमारे पास है आई स्क्वेयर आर टी। अब हमने क्या कहा भाई डिक्रीज इन एनर्जी, जो हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी आई है दैट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ हीट, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू हीट एनर्जी, समझ आ गया, तो हम क्या कह देंगे दैट इज यू इज इक्वल टू क्या आ गया एच विच इज इक्वल टू क्या हो गया आई स्क्वेयर आर टी, मेरी बात समझ आ गई होगी भाई, क्लियर है, तो हमने क्या लिख दिया भाई एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, दैट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, इसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हमने आपको सीधा प्रूफ करके बताया, हम वैसे डायरेक्ट भी बता सकते थे, आप अपनी बुक खोल कर देखेंगे तो आपको उसमें डायरेक्ट मिलेगा, और उसमें फिर बता रखा होगा, मतलब हम ये कह सकते हैं हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट इज पास, मतलब हम क्या कहेंगे स्क्वेयर ऑफ करंट
मेरी बात समझ आ गई? ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में क्या कहेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट इज पास, ये इन तीन पॉइंट्स पर डिपेंड करती है भाई। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समझ आ गया होगा? तो ये इन तीन पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जैसे आपसे पूछा जाए कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट की स्टेटमेंट बताइए, तो आप क्या कहोगे? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, व्हेन हीट प्रोड्यूस्ड इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट इज पास, मतलब उस टाइम के लिए जितने टाइम के लिए करंट पास हुआ है, समझ आ गया होगा भाई? तो ये सब पॉइंट्स हैं, इसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। पर इस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट को हम थोड़ा और आगे पढ़ते हैं जो ज़रूरी है। देखिए हमने क्या लिखा भाई, एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी लिखा हम। अगर मान लीजिए इसमें आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, आई आर रेज टू पावर टू इंटू टी अपॉन में क्या आ गया, आर आ गया। मतलब हम क्या लिख सकते हैं बेटा इसको, आई आर क्या होता है, वी स्क्वेयर टी अपॉन क्या आ गया बेटा, आर आ गया। मेरी बात समझ गई कि नहीं? दूसरा एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम इसी को लिखना चाहें तो मेरे हिसाब से वी आई टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए आई आर जो है इसकी जगह वी रख दिया, ये आई स्क्वेयर है तो एक आई आ गया, वी आई टी भी आ जाएगा। मेरी बात समझ गए? तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, हमने ये कह दिया कि ये हमारे पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट है, जिसके अंदर ये फॉर्मूले भी आप लगा सकते हो, ये फॉर्मूले भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है भाई, अब इसके अंदर हम छोटे छोटे पॉइंट और पढ़ेंगे भाई। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट डू नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। ये मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्शन ऑफ करंट पर कभी भी डिपेंड नहीं करता। जैसे कि आपने ये एक रजिस्टर लिया और आपने कहा डायरेक्शन ऑफ करंट राइट साइड है, फिर आपने एक दूसरा सेम रेजिस्टेंस आर लिया और इसमें आपने लेफ्ट साइड डायरेक्शन बता दी, तो ये केवल आई के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, ना कि करंट की डायरेक्शन पर। मैं आपको बता देता हूँ, हमें पता है एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आई स्क्वेयर। हमने यहाँ पर डायरेक्शन का कोई रोल नहीं बताया। दूसरा पॉइंट और बता देता हूँ यहीं पर, कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है ना, ये डीसी और एसी दोनों में कॉमन होता है। ऐसा नहीं है कि एसी है तो ज़्यादा हो जाएगा, डीसी है तो कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉमन फॉर बोथ अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, एसी और डीसी। समझ आ गया होगा, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों के अंदर सेम काम करता है, ये बात आप याद रखोगे। एसी और डीसी दोनों के अंदर सेम काम करेंगे, मतलब हीटिंग इफेक्ट एलिमेंट है। जैसे कि आपने बॉयलर ले लिया, आपने गीजर ले लिया, आपने रोड ले ली, आपने प्रेस ले ली, आपने टोस्टर ले लिया, ये जो जो भी अप्लायंस है जो हीटिंग इफेक्ट वाले हैं, ये एसी और डीसी में दोनों में सेम काम करेंगे, सेम तरीके से काम करेंगे और सेम रूल को फॉलो भी करेंगे। मेरी बात समझ आ गई? तो एक पॉइंट आपने ये भी याद रखना है। इसी तरह एक इलेक्ट्रिकल पावर होती है भाई, क्या होती है भाई, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, कि किसी सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस हो रही है वो क्या होती है। देखिए बेटा, पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क बोलते हैं।
अब मैं आपको बताता हूँ एनर्जी अपॉन टाइम का मतलब क्या है। हम क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हीट एनर्जी अपॉन टाइम, और हीट एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, आई स्क्वेयर आर टी अपॉन में टी, टी से टी कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास आई स्क्वेयर आर। मतलब पावर को आप कह सकते हो बेटा वी स्क्वेयर अपॉन आर, और क्या कह सकते हो बेटा वी मल्टीप्लाई बाई आई। ये सब इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूले आ गए। अगला पॉइंट भाई हम इस आपको बताएंगे यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं तो जो बेसिक यूनिट्स को हम डिफाइन करते हैं ना, वो तो हमारे पास क्या होती है भाई, जूल, एक होती है बेटा कैलरी, एक होती है किलोवाट आर। ये हमारे पास बेसिक यूनिट्स हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हम 1 कैलरी पहले भी पढ़ के आए हैं, आपको पता है 1.48 जूल, और काफ़ी सारी बुक्स में ये भी लिखी रहती है 4.2 जूल, नियरली इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हो आप, मेरी बात समझ गए। सेकेंड, 1 किलोवाट आर, देखिए किलो का मतलब आपको पता है 1000 वाट, और आर का मतलब क्या होता है, 3600 सेकेंड। मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, 3.6 × 10⁵ 1, 2, 3, 4, 5, 6 जूल लिख दिया भाई। आप इसको ये भी लिख सकते हो, और इसको ये भी कह सकते हो स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर वाट सेकंड, क्योंकि देखिए इसके वाट बना दी इसकी सेकंड, तो वाट सेकंड जो होता है वो जूल ही होता है, समझ आ गया होगा। तो ये हमारे पास किलोवाट आर हो गया। अब कमर्शियल यूनिट की बात करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ 1 किलोवाट आर इट इज द कमर्शियल यूनिट। यही हमारे पास क्या होती है, कमर्शियल यूनिट होती है, जो आपके मीटर में रीडिंग आती है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी आप यूज करते हो, आपके घर में मीटर लगा रहता है, उस मीटर की जो रीडिंग आती है, जैसे आप ये कहते हो कि अब की बार हमारी यूनिट थी 100 यूनिट्स आई, 100 यूनिट्स मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आर होता है। मतलब जब आप 3.6 × 10⁶ जूल एनर्जी यूज कर लेते हो तो आपका मीटर 1 यूनिट रीडिंग शो करता है, समझ आ गया होगा, पॉइंट क्लियर है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। अब दूसरी बात, हम यहाँ पर जो पावर पढ़ रहे थे, इस पावर की यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ पावर। तो मैं पावर की यूनिट के बारे में बात करता हूँ, तो हमारे पास पावर की यूनिट होती है बेटा वाट और किलो वाट, और एक मैं आपको बता देता हूँ हॉर्स पावर होती है बेटा। क्या होती है भाई, हॉर्स पावर, 1 HP, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 476 वाट होती है, क्लियर है भाई। अब हमने यहाँ पर पावर की यूनिट्स भी आपको बता दी है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि हम अगर किसी भी रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो उसकी पावर क्या होगी, अगर हम किसी रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो उसके अंदर पावर क्या होगी, अब उनके बारे में पढ़ना है। ये हम यूनिट पढ़ चुके हैं। हम क्या कह रहे हैं भाई, मैं कह देता हूँ इफ द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन वी यूज द फॉर्मूला पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, क्योंकि आपको पता है सीरीज में भाई क्या सेम होता है, करंट सेम होता है कि नहीं, मेरी बात समझ गए। हम क्या कहेंगे, इन सीरीज करंट इज सेम, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ, इसका मतलब जिस रेजिस्टेंस का, जैसे करंट तो सभी में सेम हो गया सीरीज में, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है वो ज़्यादा पावर लेगा फिर, तो मेरी बात समझ गए कि नहीं। तो हम क्या कहेंगे, देन पावर डेवलप विल बी हायर
इन हायर रेजिस्टेंस वैल्यू. हायर रेजिस्टेंस समझ आ गया होगा कि जिस रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है वो ज़्यादा पावर डेवलप करेगा. मेरी बात समझ गए? इसी तरह से मैं आपको बता देता हूँ, इफ़ बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इफ़ द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज. सीरीज तो पढ़ लिया था, पैरेलल बता देते हैं. देन वी यूज P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपोन आर. देखिए बेटा ये फॉर्मूले पढ़े थे कि नहीं, वी स्क्वेयर अपोन आर, आई स्क्वेयर आर. तो ये कब कब यूज करना है, ये सारे फॉर्मूले अलग अलग जगह पर अलग अलग फॉर्मूले यूज होंगे, ये आपके दिमाग में होना चाहिए. तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, वी स्क्वेयर अपोन आर, क्योंकि आपको पता है इन पैरेलल क्या होता है बेटा, पोटेंशियल इज सेम होती है, सभी के अंदर पोटेंशियल सेम रहेगी. इसका मतलब अगर आर जिसका ज़्यादा होगा उसके अंदर पावर डेवलप क्या होगा, कम होगा. मीन्स पावर डेवलप विल बी स्मॉलर इन हायर रेजिस्टेंस. समझ आ गया होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है वो ज़्यादा कम पावर डेवलप करेगा, लोअर पावर रखेगा. समझ आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे. अब चलो देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. मैंने क्या कहा, मैं एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ भाई, ठीक है, थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं न्यूमेरिकल को. देखिए मैं एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ. देखिए न्यूमेरिकल ये है, मैंने लिख दिया है टू वायर्स ऑफ सेम मास हैविंग, हाँ दोनों दो वायर हैं तो उनका दोनों का मास क्या है, सेम. तो अगर हम सॉल्यूशन लिखें तो सबसे पहले क्या कहेंगे भाई, दो अलग अलग वायर हैं आपके पास, ठीक है, इन दोनों का मास क्या है, एम. मास क्या होता है भाई, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम. मान लीजिए पहले की डेंसिटी, सॉरी डेंसिटी को मैं डी से लिखूंगा बेटा, ठीक है, डी वन है. वॉल्यूम क्या लिख देते हैं भाई, वी वन इज इक्वल टू डी टू वी टू. भाई दोनों का मास क्या है, सेम है ना. और वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ. बोलो होता है कि नहीं. चलो आगे पढ़ते हैं कुछ अलग है. तो आगे ये कहता है कि हैविंग रेशियो ऑफ लेंथ, मतलब ये कहता है कि एल वन अपॉन एल टू कितना दिया हुआ है, 1:2. डेंसिटी रेशियो दिया हुआ है, डेंसिटी को हम किससे लिख देते हैं बेटा, डी वन अपॉन डी टू से लिख देते हैं, वो कितना दिया हुआ है, 1/3. और उसके बाद क्या दिया हुआ है, एंड रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी को हम लिखते हैं रो वन अपॉन रो टू से, क्यों, इसीलिए मैंने रो हटा दिया था, वरना हम रो से डेंसिटी को लिखते हैं. ये कितना लिखा हुआ है भाई, 2:1, ये रेशियो दिए हुए हैं भाई. मेरी बात समझ गए? अब हमारे पास ये तीन रेशियो आ गए, ये इन्होंने गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन है. फिर आगे क्या कहता है भाई, आर कनेक्टेड 1/1 टू द सेम वोल्ट सप्लाई. सेम वोल्ट सप्लाई के पर कहाँ कनेक्ट होते हैं, मेरे हिसाब से तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है. तो हम समझ जाएंगे कि ये कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन. द रेट ऑफ हीट डिसिपेशन इन द फर्स्ट वायर इज फाउंड टू बी 10 वाट. जो रेट ऑफ हीट के बारे में बात कर रहा है पहली वायर की, जो पी वन की बात कर रहा है, वो कितनी बता रहा है भाई, पी वन इज इक्वल टू 10 वाट. फाइंड द रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड इन द सेकेंड वायर. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों के दोनों पैरेलल जुड़े हुए हैं, तो पैरेलल के अंदर हमने आपसे बताया था कौन सा कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा भाई, ये लिख रखा है P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर. तो हम क्या कह देंगे, यहाँ से हम पी वन अपॉन पी टू की वैल्यू निकाल देंगे. पी वन अपॉन पी टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, वी वन स्क्वेयर अपॉन आर वन अपॉन वी टू स्क्वेयर अपॉन आर टू. मतलब यहाँ से अगर हम करना चाहेंगे तो बेटा आर टू ऊपर चला गया, वी वन स्क्वेयर आर टू अपॉन वी टू स्क्वेयर आर वन. बोलो आ गया कि नहीं आ गया. अब एक बात बताइए, अगर मैं आपको एक बात
बताऊं यहाँ पर, तो यहाँ हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है बेटा, ये तो हमारे पास पोटेंशियल है भाई, V1 V2, तो यहाँ पर हमने वॉल्यूम लिखा था, पर मैं इस वॉल्यूम को बदल दूंगा और मैं इस वॉल्यूम को इस तरह V से लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ मास इनका सेम दिया हुआ था, तो बेटा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ इज इक्वल टू D2 A2 मल्टीप्लाई बाई L2। तो एक रिलेशन हमारे पास ये भी आ गया है, समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं, तो R1 क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल अपॉन ए, बोलो होता है कि नहीं, तो रो वन एल वन ए वन हो जाएगा। R2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रो टू एल टू अपॉन में ए टू, बोलो हो जाएगा कि नहीं। यहाँ से R1 R2 की वैल्यू पुट करेंगे भाई, जहाँ हम R1 R2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा। दूसरी बात, यहाँ हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो V1 V2 क्या है, सेम, व्हेन गिवन दैट यहाँ पर लिखा हुआ है सेम वोल्ट सप्लाई, V1 इज इक्वल टू V2 गिवन है, तो V1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास P1 अपॉन P2 क्या आ गया बेटा, R2 अपॉन R1, बोलो आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ हमारे पास R2 अपॉन R1 आ गया, इनकी वैल्यू पुट करेंगे बेटा, R2 की वैल्यू क्या है, रो टू L2 अपॉन A2 अपॉन में करेंगे रो वन एल वन अपॉन ए वन है, तो ए वन ऊपर चला जाएगा। अब बताओ क्या क्या गिवन है बेटा, मेरे हिसाब से देखो, रो वन बाई रो टू गिवन है, और उसके बाद एल वन बाई एल टू गिवन है, तो रो वन रो टू एल वन एल टू छोड़ दीजिए, ए वन ए टू गिवन नहीं है बेटा, ए वन ए टू की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। यहाँ देखो ये गिवन था ना मास, तो हम यहाँ से क्या निकाल देंगे बेटा, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू निकालेंगे, तो D2 L2 अपॉन D1 L1 आ गया। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, Rho2 L2 अपॉन Rho1 L1 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ क्या हो जाएगा, D2 L2 अपॉन D1 L1 हो गया। अब देखिए ध्यान से, L2 स्क्वेयर L1 स्क्वेयर हो गया, D1 बाई D2 हो गया, Rho2 बाई Rho1 हो गया। ये वैल्यू आपके पास है, रेशियो की टर्म में वैल्यू पुट करिए, P1 की वैल्यू गिवन है 10 वोल्ट, P2 आ जाएगा, समझ आ गया। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर दिया हुआ था, अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एंड फाइंड P2, ये हमने आपको बता दिया। तो इस तरह के न्यूमेरिकल भी दे सकता है, पर मैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हम क्या करते हैं कि अब हम आपको आगे ये सिखाएंगे कि हम एक एप्लियंस लेते हैं और एप्लियंस को हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जोड़ते हैं, तो हमारे पास एक कन्फ्यूज़न होता है न्यूमेरिकल्स में, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न, कि एक एप्लियंस जो हम लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने क्या किया, मैंने ये कहा कि यहाँ पर एक बल्ब है, ठीक है, ये एक बल्ब है, मैंने इस बल्ब को वी वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया। ध्यान से समझना है, की हेल्प से ध्यान से समझना है। अगर आप कोई बल्ब लेने जाते हो, अगर आप कोई अप्लायंस लेने जाते हो, अगर आप कोई फैन लेने जाते हो, कूलर लेकर आते हो, या कोई भी अप्लायंस लेकर आते हो, तो उसके ऊपर उसके ऊपर लिखा रहता है कि वो बल्ब कितने वोल्ट पर ऑपरेट होगा, वो बल्ब कितने पावर का है, मतलब जैसे कि ये बल्ब है, इसकी पावर को बता दिया है पी नोट, ये बता दिया जाता है कि ये वी नोट पर काम करेगा, कितने वोल्ट पर काम करेगा, वी नोट पर काम करेगा, और आपने जोड़ा भी इसे, जैसे कि आप कोई भी बल्ब लेने जाते हो या कोई भी अप्लायंस लेने जाते हो, तो उस पर एक स्टिकर लगा रहता है और उस पर लिखा रहता है कि दैट वर्क्स ऑन 220 वोल्ट एंड हैविंग पावर 50 वाट, 60 वाट, 10 वाट, इस तरह लिखा रहता है। मतलब उसकी पावर है 50 वाट, वो काम करेगा 220 वोल्ट पर। दूसरी चीज, मतलब जो काम करेगा वो तो वी नोट है, पर आपने जो दी है वो वी है, मतलब आप जरूरी थोड़ी है 220 वोल्ट दो, आप 180 वोल्ट भी देखकर उसको ऑन करवा सकते हो, आप उसको 230 वोल्ट भी दे सकते हो, मेरी बात समझ रहे हो, पर वो कंडीशन है कि क्या कंडीशन, किस कंडीशन पर वो काम करेगा, मतलब ये जो वैल्यूज हैं ये इंडिकेटेड वैल्यू हैं,
इंडिकेटेड वैल्यू ऑन एप्लियंस, जो भी एप्लियंस है उसके ऊपर क्या किया हुआ है, इंडिकेट किया हुआ है, मतलब इंडिकेटेड वैल्यू आपको इसका रेजिस्टेंस के बारे में बताएगी। मतलब हम क्या कहेंगे, हेयर इंडिकेटेड वैल्यू शोज द पोटेंशियल एट विच वर्क सेफली एंड प्रॉपर एंड वी फाइंड रेजिस्टेंस। इसी से हम इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। मेरी बात समझ गए, ये वी वोल्ट है, ये इसके रेजिस्टेंस को नहीं दिखाएगा, इसके रेजिस्टेंस को दिखाने वाला पॉइंट वी नोट और पी नोट है। मतलब हम इसके रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या होगा बेटा, वी नोट स्क्वेयर अपॉन पी नोट, क्योंकि पी नोट इज इक्वल टू वी नोट स्क्वेयर अपॉन आर होता है। हमने इसी से ही इसका फॉर्मूला लिख दिया है, हमने कह दिया कि इसको डिज़ाइन ही इसी के ऊपर किया गया है कि हम इसको प्रॉपर ऑपरेट करें कितने वोल्ट पर, वी नोट वोल्ट पर जैसे कि इस पर लिखा हुआ है कि 180 वोल्ट पर है, पर क्या एग्जैक्ट हम उसको 180 वोल्ट दे पाते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कि 170 वोल्ट भी चला जाता है, 190 वोल्ट भी चला जाता है, तो वो ऑपरेट किसी भी वोल्ट पर हो जाता है। पर मैं आपको बता देता हूँ कि उसका एग्जैक्ट रेजिस्टेंस इसको जो डिज़ाइन किया गया है इसके ऊपर जो इंडिकेट है उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट होगा। समझ आ गया। अब मैं आपसे कह देता हूँ, नाउ लेट मैं यहाँ पर कह देता हूँ वी पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एप्लायंस। इस एप्लियंस के अंदर हमने वी वोल्ट दे दी, भाई ज़रूरी थोड़ी है कि हम वी नोट ही दें। मेरी बात समझ गए। अगर इस एप्लियंस के अंदर हम वी वोल्ट दे देते हैं देन पावर कंज्यूम्ड बाय डिवाइस, अब इसने कितनी पावर कंज्यूम की, कंज्यूम्ड बाय डिवाइस, देखिए कितनी पावर का है वो तो पी नोट है, ये 50 वाट का है, पर आप अगर इसको वी वोल्ट के साथ जोड़ते हो तो अब कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, भाई आपका वी इतना वी नोट ही थोड़ी है। अब मान लो आपका वी कम है तो कम पावर कंज्यूम करेगा, अगर वी नोट ज़्यादा है तो ज़्यादा पावर कंज्यूम कर लेगा। मेरी बात समझ आई कि नहीं। देन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, ये भी याद रखना, जो पावर कंज्यूम करेगा बेटा, P इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वेयर अपॉन आर होता है कि नहीं, बोलो होता है कि नहीं। आपने क्या कह दिया कि अगर हम ये वैल्यू पुट करें, देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे भाई, हमने लिख दिया वी स्क्वेयर अपॉन बेटा आर, हमने क्या निकाला था, वी नोट स्क्वेयर बाई पी नोट था, वी नोट स्क्वेयर अपॉन पी नोट था, तो मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया, पी नोट, मतलब P इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, V बाई वी नोट होल स्क्वेयर इंटू क्या आ गया, P नोट। कोई प्रॉब्लम है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। अगर मान लीजिए आप ये कहते हो स्पेशल केस, ये काफ़ी इजी है, इफ़ V इज इक्वल टू वी नोट, मतलब आपने लिखा हुआ है 220 वोल्ट पर काम करेगा वो, डिज़ाइन किया हुआ है, और 220 वोल्ट एग्जैक्ट आप देते हो तो वो पावर भी कितनी कंज्यूम करेगा, करके देख लो, P इज इक्वल टू पी नोट, वी की जगह वी नोट रखोगे कैंसिल हो जाएगा, वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा जितनी उसके ऊपर लिखी हुई है। मेरी बात समझ गए भाई। अब ये तो पहला स्पेशल केस था, आपने कह दिया इफ़ V इज ग्रेटर देन V नोट, मान लो वो 220 वोल्ट पर काम करता है और आपने उसको 230 वोल्ट दे दिया, अगर 230 वोल्ट दोगे तो 230 अपॉन 220 करोगे मान लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, V इज ग्रेटर देन V नोट है, तो मतलब P इज ग्रेटर देन P नोट आ गया। बोलो लिखोगे कि नहीं, मतलब जो पावर कंज्यूम कर रहा है वो उसकी ओरिजिनल पावर से क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। हम क्या कहेंगे, देन पावर consumed by appliance is greater than specified power
ये जो सेकंड पॉइंट है, जो उसकी पावर स्पेसिफाई की गई है, मान लो 50 वाट का था, अब वो 55 वाट ले रहा है मान लो, तो क्या होगा? वो तो डैमेज हो जाएगा। स्पेसिफाइड जो उसकी पावर थी, जो स्पेसिफाई की थी, उससे भी क्या ले रहा है, ज़्यादा पावर ले रहा है। देन इट विल बी डैमेज, समझ आ गया? अगर उससे ज्यादा पावर चली जाती है तो क्या हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? क्योंकि उसके अंदर जो करंट होगा वो एक्सीड कर, उसकी जो कैपेसिटी है उससे एक्सीड कर जाएगा, बिकॉज करंट एक्सीड इट्स कैपेसिटी। जो करंट है वो उसकी कैपेसिटी से एक्सीड कर जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब क्योंकि करंट आप निकालोगे तो जैसे कि आई इज इक्वल टू, आप क्या कहोगे भाई, जो आपने इसको पावर पावर के अकॉर्डिंग जाना चाहिए तो वी नॉट बाई आर जाना चाहिए, ये इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। और जो पावर करंट जा रहा है वो क्या हो जाएगा भाई, वी बाई आर। आपको पता है वी ज़्यादा है, आपने यहाँ पर लिखा है वी इज़ ग्रेटर देन वी नॉट, तो आप यहाँ से क्या लिख दोगे, आई इज ग्रेटर देन क्या आ रहा है, आई सी। आई सी का मतलब क्या है, इसकी कैपेसिटी, करंट कैपेसिटी है ये, तो समझ आ गया। और वो इसकी कैपेसिटी से अगर ज़्यादा हो गया तो ये सर्किट डैमेज हो जाएगा, ये जो जो आपका एप्लीयंस जुड़ा हुआ है वो ख़राब हो जाएगा। क्लियर है? तो सीधी सी बात है कि अगर वो पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो जल्दी से ख़राब होगा। तो आपने एक तो ये ही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है। मैं एक न्यूमेरिकल और लिख देता हूँ। एक न्यूमेरिकल लिखा भाई, ए 100 वाट बल्ब इज़ डिज़ाइन टू ऑपरेट ऑन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 230 वोल्ट। मतलब आपसे क्या दिया हुआ है कि भाई उसकी पावर दी हुई है कि वो कितने वाट का है, 100 वाट, और कितने वोल्ट पर डिज़ाइन किया हुआ है, मतलब वी नोट दिया हुआ है 230 वोल्ट। ये तो सबसे पहले गिवन है, क्यों, ये उसकी रेटिंग दी हुई है, उसके ऊपर लिखा हुआ है। अब ये कहता है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। बेटा हमने सबसे पहला फॉर्मूला आर इज इक्वल टू क्या बताया था भाई, वी नोट स्केयर अपॉन पी नोट, बोलो कहा था कि नहीं, मतलब 230 का होल स्केयर करेंगे अपॉन में क्या लिख देंगे 100, तो कितना आ जाएगा भाई, 223 का होल स्केयर कितना होता है, 529, ठीक है, 529 ओम आ गया। अब उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट में क्या कहता है, फाइंड द करंट ड्रान बाय द बल्ब। भाई कितना करंट ड्रा होगा इफ इट इज ऑपरेटेड एट ए पोटेंशियल डिफरेंस फॉर विच इट इज डिजाइन। ये कहता है कि अगर उसको जितने डिजाइन पर, इसको जितने वोल्ट पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया उतने ही वोल्ट के साथ जोड़े तो करंट कितना होगा, मतलब वो तो इसकी करंट कैपेसिटी होती है कि इतना करंट झेल सकता है। और उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था भाई, वी नोट बाई आर लिख रखा है कि नहीं। अब करंट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर हम लिखेंगे तो कितना है भाई, 230 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस कितना है भाई, दैट इज 10/23 आ गया, 10/23 एम्पियर। क्लियर है? अब थर्ड पॉइंट में क्या पूछा गया है, फाइंड द करंट ड्रान एंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। आपने एक तो करंट बताना है, इफ इट इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट, मतलब दैट इज वी बाई आर। यहाँ पर वी कितना दिया हुआ है बेटा, वी कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट पर जोड़ना है, ना कि 230 वोल्ट पर। अब 220 वोल्ट पर जोड़ोगे तो 220 अपॉन कितना लिखना पड़ेगा भाई, 529। मेरी बात समझ गए कि नहीं? तो ये तो आपके पास क्या आ गया, इतने एम्पियर करंट आ ही गया। अब दूसरा पॉइंट में आपको 220 वोल्ट या 200 वोल्ट है तो 200 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद इसी पॉइंट के अंदर क्या कह रखा है भाई, पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। भाई पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब, पी इज इक्वल टू क्या लिखते हो, आई स्क्वेयर आर, बोलो लिखते हो कि नहीं। अब आई स्क्वेयर आर लिखोगे तो 220/529 इसका होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस, तो कितना था बेटा, 529। मेरी बात समझ गए, ये क्या आ जाएगा, इसको कैलकुलेशन कर लेना, वाट आ जाएगा। मेरी बात समझ आ गई या नहीं? तो ये क्या हो गया, पावर कंज्यूम्ड। आपने सोचा कि सर ने ये आई क्यों रखा, तो बेटा अगर 220 वोल्ट पर जोड़ोगे तो करंट इतना ही पास होगा, और पावर क्या होती है, आई स्क्वेयर आर होता है। मेरी बात समझ गए कि नहीं? तो इस तरह से हमारा इसका आंसर भी आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है भाई? अगर एक एक क्वेश्चन चलो और लिख देते हैं, एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं, उसके बाद इसी का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अब देखिए एक न्यूमेरिकल मैंने लिखा, ए 500 वाट हीटिंग यूनिट इज डिज़ाइन टू ऑपरेट फ्रॉम ए 200 वोल्ट लाइन।
ये कहता है कि हमने सबसे पहले क्या किया भाई, एक 500 वाट हीटिंग यूनिट इज डिज़ाइन टू ऑपरेट फ्रॉम ए 200 वोल्ट, मतलब उसकी जो पावर है पी नॉट है कितने वोल्ट कितने वाट का है 500, और कितने वोल्ट पर डिज़ाइन किया गया है भाई 200 वोल्ट पर काम करने के लिए उसको हमने डिज़ाइन कर दिया। अब क्या कहता है भाई, व्हाट परसेंट विल इट्स हीट आउटपुट ड्रॉप इफ़ द लाइन वोल्टेज ड्रॉप टू 160, अगर उसको वी इज इक्वल टू 160 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया जाता है तो वो कितने परसेंट हीट को ड्रॉप कर देता है। तो सबसे पहले तो हम उसकी पावर ही निकाल लेते हैं, मतलब हम क्या कहेंगे एक्चुअल पावर कंज्यूम्ड, भाई हम निकाल सकते हैं कि नहीं वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा भाई पी, और उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला लिखा था वी बाई वी नोट का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पी नोट, बोलो लिखा था कि नहीं। अब उसने कितनी पावर को कंज्यूम किया भाई, आपने वी कितना लिया हुआ है 160, वी नोट कितना था 200 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पी नोट कितना था। अब देखिए कैंसिल करते हैं ये कितने पर गया भाई, 2 पर, 82 जा एंड 84 पे 44 जा और 45 जा, हो गया। अब 4 का स्क्वायर क्या हो गया P इज इक्वल टू 16/25 मल्टीप्लाई बाई 500, तो ये कितने पे कैंसिल हो गया भाई यहाँ से 20 पे, मतलब कितना आ गया 320 वाट। मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है 320, मतलब उसने कितनी पावर का लॉस कर दिया, कितनी पावर ड्रॉप कर दी। हम क्या कहेंगे भाई, हीट आउटपुट ड्रॉप, हीट आउटपुट पावर ड्रॉप, कितनी ड्रॉप कर दी, अरे 500 वाट का था और उसने काम कितने का किया केवल 320 का, कितनी ड्रॉप हो गई 180 वाट ड्रॉप कर दी उसने। मेरी बात समझ गए, अगर हम परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज हीट ड्रॉप की बात करते हैं तो भाई कितनी ड्रॉप हो गई 180, कितने पर ड्रॉप हुई है 500 वाट पे, मल्टीप्लाई भाई कितना हो गया 100 भाई, अगर इनको काट देते हैं तो 36% हीट उसने क्या कर दी ड्रॉप कर दी है। अब इतनी हीट ड्रॉप कर दी, आपसे ये पूछा जाता है कि उसने कितनी हीट प्रोड्यूस की, प्रोड्यूस कितने की 320 वाट, इतने पावर तो चेंज कर रहा है ना, इतनी तो ड्रॉप कर रहा है। अब इतनी ये 10 मिनट में पूछ रहा है, तो आपको पता है हीट प्रोड्यूस्ड इन 10 मिनट, हीट प्रोड्यूस्ड इन 10 मिनट, बेटा 10 मिनट को सबसे पहले सेकंड बना लो 60 सेकंड, ठीक है। क्या होता है बेटा, पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम होता है फॉर्मूला भाई, हीट का फॉर्मूला क्या होगा पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम, पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम करेंगे तो पावर कितनी कन्वर्ट कर रहा है 320 मल्टीप्लाई बाई एक सेकंड में कर रहा है, 600 सेकंड में कितनी करेगा मल्टीप्लाई कर लो, तो भाई 6 × 2 = 12 और 9 कितना हो जाएगा 30, इतने क्या हो जाएगा जूल, ये आपका आंसर आ गया, समझ आ गया। तो इस तरह से भी आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है कि भाई इतने टाइम में कितनी पावर को चेंज करेगा, इतने टाइम में कितनी पावर को वेस्ट करेगा, ड्रॉप करेगा, ये सब क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकता है। अगले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा, वो सीरीज पैरेलल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सीरीज कनेक्शन हो तो क्या करना है, पैरेलल कनेक्शन हो तो क्या करना है। ध्यान से देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, व्हेन अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर सीरीज कनेक्शन हो तो क्या करना है। देखिए, जैसे कि आपने ये कहा कि भाई आपके पास जो है ना दो बल्ब हैं, ये अलग अलग डिजाइन से ऑपरेट किए हुए हैं और इनको हम वी वोल्ट के साथ जोड़ते हैं, ये वी वोल्ट है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने ये कहा कि ये दोनों के दोनों डिज़ाइन जो ये जो बल्ब है ना वी नोट पर डिज़ाइन किए हुए, मतलब दोनों 220 वोल्ट पर काम करते हैं, पहले की पावर अलग है दूसरे की पावर अलग है, पहला जो है इसकी पावर को P01 कह दिया, इसकी पावर को P02 कह दिया। मेरी बात समझ गए।
मतलब हमने ये कह दिया कि ये वाला बल्ब वी नोट पर डिज़ाइन किया हुआ है जिसकी पावर है P01। भाई दो, जैसे एक आपने 10 वाट का बल्ब जोड़ दिया, एक आपने 20 वाट का बल्ब जोड़ दिया, या आपने एक फ़ैन जोड़ दिया जो 50 वाट पर काम करता है, एक बल्ब जोड़ दिया जो 100 वाट पर काम करता है। इस तरह दो अलग अलग अप्लायंस है, दोनों की पावर अलग अलग है, दोनों 220 वोल्ट पर काम कर रहे हैं या 200 वोल्ट पर काम कर रहे हैं, दोनों का जो डिज़ाइन पोटेंशियल है वो दोनों का सेम है, दोनों का वी नोट है। मेरी बात समझ गई कि नहीं? मैं कह देता हूँ इफ, ध्यान से समझना है यहाँ पर, P01 इज ग्रेटर देन P02, मतलब पहले की पावर दूसरे की पावर से ज़्यादा है, ये मैंने रेटिंग दे दी। मेरी बात समझ गए? रेटिंग के अंदर मैंने आपको बता दिया कि पहले की पावर दूसरे की पावर से ज़्यादा है। तो ये कैसे काम करेंगे? अगर मान लीजिए कभी कभी ज़्यादा पोटेंशियल दे दी जाए तो कौन सा एप्लायंस पहले ख़राब होगा, ये सब पॉइंट्स मैं आपको समझा रहा हूँ। बेटा अगर हम निकालें, पहले का रेजिस्टेंस निकाले, R1 लिख दूँ, R1 लिखूँगा तो क्या लिखा जाएगा भाई, वी नोट स्क्वेयर अपॉन P01। दूसरे का रेजिस्टेंस निकालूंगा, R2 लिख देता हूँ, वी नोट स्क्वेयर अपॉन में क्या लिखोगे, P02। हमने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, P01 इज ग्रेटर देन P02। अगर आपको ये मालूम है तो हम क्या कहेंगे यहाँ से, बेटा R1 इज लेस देन R2 आ जाएगा, क्योंकि बेटा जिसकी ये पावर ज़्यादा है, वी नोट तो इन दोनों में क्या है, कॉन्स्टेंट है, अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो R1 क्या होगा, कम होगा। हमने क्या बता दिया, R1 इज लेस देन R2। पॉइंट क्लियर है? अब आप एक बात बताइए भाई, इस सर्किट में करंट पास वी नोट करेगा या वी करेगा? वी करेगा, वी करेगा, तो करंट कितना पास हो गया बेटा, आई। मैं कह देता हूँ लेट आई बी द करंट पास, सेम लिख देता हूँ, सेम करंट पास थ्रू एप्लायंस, जो अप्लायंस आपने लिए हुए हैं इन सभी में कितना करंट पास हो रहा है, आई, दोनों के अंदर आई करंट पास हो गया। अगर दोनों में सेम करंट पास हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, देन पावर कंज्यूम्ड बाय, पावर कंज्यूम्ड बाय अप्लायंस, क्या क्या हो जाएगी बेटा, P1 इज इक्वल टू क्या कह देंगे, I² R1, एंड P2 इज इक्वल टू क्या कह देंगे बेटा, I² R2। अरे पावर कंज्यूम क्या होती है, I² R। आप एक बात बताओ, R1 ज़्यादा है या R2? आप कहोगे R2 ज़्यादा है, R2 ज़्यादा है तो क्या होगा, P2 ज़्यादा होगा, देन P2 इज ग्रेटर देन क्या हो गया बेटा, P1। एक्चुअल में देखो ध्यान से देखिए यहाँ पर बेटा, इस जिसकी पावर कम थी उसने तो ज़्यादा पावर कंज्यूम की, और जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा थी उसने कम पावर को कंज्यूम किया। मेरी बात समझ रहे हो? पॉइंट क्लियर हुआ? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इट मीन्स द बल्ब हैविंग मोर पावर रेटिंग विल कंज्यूम लेस पावर, एंड द बल्ब विच हैविंग लेस पावर रेटिंग विल कंज्यूम मोर पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ आ गया कि नहीं? हम ये कह देंगे, ये पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, द एप्लायंस इन सीरीज विच हैव लेस पावर रेटिंग विल कंज्यूम मोर पावर एंड वॉइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने क्या किया, आपने यहां पर एक अप्लायंस जोड़ा, ये है 10 वाट, ये है 50 वाट, हो गया, आपने इसको वी वोल्ट के साथ यूं कनेक्ट कर दिया, तो ये तो इसकी क्या है बेटा, P01, ये क्या है P02, बताया था। अब इसमें P1 जो जाएगा वो ग्रेटर होगा और P2 होगा वो लेस होगा। मेरी बात समझ आ गई? जिसका जिसकी पावर रेटिंग कम है उसका कंजम्पशन ज़्यादा होगा, जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा है उसका कंजम्पशन कम होगा। मेरी बात समझ गए? इस पॉइंट में मैं आपको केवल ये बताना चाहता था, ठीक है। देन टोटल पावर कंज्यूम
इन सीरीज। अगर सीरीज में टोटल पावर कंज्यूम की बात करते हैं तो क्या कह देंगे बेटा, पी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू। भाई पहले ने कितनी पावर कंज्यूम की थी पी वन, दूसरे ने कितनी करी थी पी टू, टोटल क्या हो जाएगी पी वन प्लस पी टू। हमें क्या पता है कि ये वी पोटेंशियल के बीच में जुड़ा हुआ है, तो क्या लिख देंगे बेटा, वी स्क्वेयर अपॉन में क्या लिख दिया जाएगा, आर वन प्लस आर टू। मेरी बात समझ गए कि नहीं, क्या लिख दिया जाएगा, वी स्क्वेयर अपॉन आर वन प्लस आर टू। आपको पता है आर वन आपने थोड़ी देर पहले निकाला था, बोलो निकाला था कि नहीं, क्या निकाला था भाई, वी नॉट स्क्वेयर अपॉन में क्या लिखा था पी जीरो वन, और आर टू भी तो निकाला था ना, वी टू स्क्वेयर अपॉन में क्या लिखा था पी जीरो टू। वी नॉट स्क्वेयर कॉमन आ गया, तो मतलब आप क्या कह सकते हो बेटा, वी स्क्वेयर अपॉन वी नॉट स्क्वेयर, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, पी जीरो वन प्लस वन अपॉन पी जीरो टू। एलसीएम ले लें, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो पी जीरो वन पी जीरो टू, इसको ऊपर ले जाता हूँ, क्या आ जाएगा पी जीरो वन मल्टीप्लाई बाई पी जीरो टू, ये पावर रेटिंग हो गई, अपॉन वी नॉट स्क्वेयर, यहाँ क्या आ जाएगा पी जीरो वन प्लस पी जीरो टू। मतलब पी इज इक्वल टू जो पावर कंज्यूम की जा रही है वो मैं लिख देता हूँ, वी अपॉन वी नॉट का होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई पी जीरो वन मल्टीप्लाई बाई पी जीरो टू अपॉन पी जीरो वन प्लस पी जीरो टू। समझ आ गया, इफ स्पेशल केस में लिख देता हूँ मैं, स्पेशल केस, पहला स्पेशल केस, इफ वी इज इक्वल टू वी नॉट, जितने वोल्ट पर उनको डिजाइन किया गया उतने ही वोल्ट दे दे, देन पावर क्या हो जाएगी पी जीरो वन पी जीरो टू अपॉन पी जीरो वन प्लस पी जीरो टू। समझ आ गया भाई, तो ये हमारे पास पावर कंज्यूम आ जाएगी। अगर बीच में कोई भी बल्ब फ्यूज हो गया, ये भी आप बता सकते हो, इन सीरीज इफ एनी बल्ब इज फ्यूज्ड देन अदर्स विल नॉट ग्लो। सीरीज के अंदर अगर कोई एक बल्ब फ्यूज हो गया तो आगे का कोई बल्ब या कोई भी बल्ब, जितने भी बल्ब लगे हुए हैं, कोई बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ये सीरीज का रूल होता है। अब दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, ये तो हमने सीरीज पढ़ाया था भाई, सीरीज के बाद दूसरा पढ़ा देते हैं, एप्लायंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और कनेक्टेड इन पैरेलल देखिए, अगर आपने ये बल्ब जो एप्लायंस लिए हुए हैं ये आपने पैरेलल में यूं कनेक्ट कर दिए, पैरेलल में तो ऐसे ही कनेक्ट करते हो भाई, या वी वोल्ट के साथ कनेक्शन दे दिया। अब देखिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अब आपको समझना है, मैंने कहा इसकी रेटिंग दे रखी है वी नॉट, वी नॉट पर काम कर रहे हैं रेटिंग में, इस ये है पी जीरो वन, ये क्या है पी जीरो टू, ध्यान से समझना है। अब आप एक बात बताओ, इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आर वन और इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आर टू। रेटिंग के अकॉर्डिंग मैंने क्या कहा, मान लीजिए मैं पहले भी जो लिखा था पी जीरो वन इज इक्वल टू पी ग्रेटर देन पी जीरो टू लिख दिया, तो आर वन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा वी नॉट स्क्वेयर अपॉन में पी जीरो वन, और आर टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वी नॉट स्क्वेयर अपॉन में पी जीरो टू। बोलो तो हम क्या कह देंगे, आर टू इज ग्रेटर देन आर वन। ये तो हमने पिछले वाला ही कह दिया कि भाई पावर इसकी ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, पावर इसकी कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने रेटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो करके दिखा दिया है। समझ आ गया, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पर जो पावर है देन यहाँ पर हम क्या कहेंगे P1 एंड P2, पावर कंज्यूम्ड बाय, पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब या एप्लायंस, जो भी एप्लायंस हमने कनेक्ट किए हैं ये P1 और P2 पावर कंज्यूम कर रहे हैं। अगर P1 और P2 पावर कंज्यूम कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तो P1 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा V स्क्वेयर अपॉन R1, एंड P2 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा V स्क्वेयर अपॉन R2। अब आप कन्फ्यूज हो गए कि सर ने पिछले एग्जांपल में P1 P2 को I स्क्वेयर R1 I स्क्वेयर R2 लिखा था। मैंने आपसे बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है तो I स्क्वेयर R फॉर्मूला लगाना है,
पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम होती है, तो वी स्क्वेयर अपॉन आर लगाना है। आपने इनको किस पोटेंशियल के बीच में जोड़ा, वी के, तो क्या लिखेंगे, वी स्क्वेयर अपॉन आर वन, वी स्क्वेयर अपॉन आर टू। अब आपको पता है आर टू इज ग्रेटर देन आर वन है, मतलब आर वन छोटा है तो पी वन ज़्यादा होगा, तो हम क्या कह देंगे, देन पी वन इज ग्रेटर देन क्या होगा, पी टू। इसका मतलब ये है कि जिस एप्लियंस की ग्रेडिंग ज़्यादा है, जिस एप्लियंस का लेवल ज़्यादा है, समझ आ गया, जिस कोई भी जो आपने एप्लियंस लिया हुआ है, जो आपने उसको उसके ऊपर जो लिखा हुआ है, जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। मतलब हम क्या कह देंगे, इन पैरेलल मोर, इन पैरेलल मोर पावर एप्लियंस मोर पावर लेबल्ड अप्लियंस गेट, ये जो पी वन पी टू है ये गेट मोर कंज्यूम्ड पावर, जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो उतनी ही ज़्यादा पावर को क्या करेगा बेटा, कंज्यूम करेगा। मेरी बात समझ गए, ये कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो आप पढ़ रहे हो, देखिए अब पैरेलल के अंदर आपसे पूछा जाएगी भाई पावर बताइए, तो आप क्या कहोगे, पावर कंज्यूम्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पावर कंज्यूम्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू। बेटा P तो अभी अभी लिखा था, वी स्क्वेयर अपॉन आर वन, ये क्या लिखा था, वी स्क्वेयर अपॉन आर टू। बेटा अगर आर वन और आर टू की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वेयर अपॉन में वी नॉट स्क्वेयर अपॉन पी वन, तो P जीरो बनाया था वहाँ पर, समझ आ गया, प्लस वी स्क्वेयर अपॉन आर टू की वैल्यू बताओ क्या थी भाई, वी नॉट स्क्वेयर अपॉन पी जीरो टू, तो ये तो ऊपर चला गया, हमने क्या लिख दिया भाई, पी इज इक्वल टू वी अपॉन वी नॉट का होल स्क्वेयर, क्या कॉमन आ गया यहाँ से, पी जीरो वन प्लस पी जीरो टू, बोला हो गया कि नहीं। अब हमने क्या कह दिया, स्पेशल केस के अंदर क्या कहेंगे भाई, स्पेशल केस तो भाई सिंपल सा केस है, क्या कह देंगे भाई, इफ़ v इज इक्वल टू वी नॉट, भाई जितने उसकी ग्रेडिंग दी हुई है, जितना उनका लेवल दिया हुआ है, आपने उसकी रेटिंग के अकॉर्डिंग जितना पोटेंशियल पर काम कर रहा था, उसी पोटेंशियल को अगर आप डेवलप करते हो देते हो, तो v की जगह v नॉट लिखना पड़ेगा, कट जाएगा, देन क्या लिखा जाएगा भाई, p इज इक्वल टू पी जीरो वन प्लस पी जीरो टू, समझ आ गया, वो उनकी क्या हो गई भाई, पावर रेटिंग हो गई। इसका मतलब मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर पैरेलल के अंदर कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, यहीं पर आपको बता देता हूँ, इन पैरेलल इफ वन बल्ब गेट फ्यूज्ड देन ऑल अदर बल्ब will continue to glow, जो और बल्ब हैं वो कंटिन्यू ग्लो करते रहेंगे। ठीक है भाई, अब आपने एक बात और समझनी है यहाँ पर, अब देखिए इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि हमने ये सीरीज पढ़ा था, सीरीज में क्या कहा था कि भाई जिसकी पावर कम है वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, बोलो कहा था कि नहीं, यहाँ पर पी जीरो वन इसकी रेटिंग ज़्यादा है, ये कम पावर कंज्यूम करेगा, इसकी पावर ज़्यादा है ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन, और लिखा हुआ भी है, द एप्लायंस इन सीरीज विच हैव लेस पावर रेटिंग विल कंज्यूम मोर पावर एंड वाइस वर्सा। अब सीधी सी बात है, मान लीजिए अगर आपने करंट को इसकी लिमिट से ज़्यादा एक्सीड कर दिया, ज़्यादा बढ़ा दिया, तो मतलब किस में ज़्यादा पावर जाएगी, सीधी सी बात है जिसकी रेटिंग कम है P2, और ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मान लो ये पहले ही 10 वॉट का है और अब इसके अंदर पावर जा रही है 20 वॉट, तो क्या होगा, ये डैमेज होगा,
खोलो, और ये पहले ही 50 वोट का था और इसमें पावर जा रही थी 10 वोट और अब हो गई 20, तो ये तो डैमेज नहीं होगा। मेरी बात समझ गए? दोनों की पावर हमने तो बढ़ाई है ना, क्योंकि करंट को एक्सीड करेंगे तो दोनों की पावर कहीं ना कहीं बढ़ेगी। दोनों की पावर बढ़ेगी तो इसकी पावर पहले ही कम थी और इसमें पहले ही बहुत ज़्यादा पावर जा रही थी। ध्यान से देखो, अगर इसमें ज़्यादा पावर जा रही थी तो क्या होगा, ये पहले फ्यूज होगा। मतलब आप ये भी कह सकते हो, यहाँ पर लिख देते हैं, व्हेन करंट इंक्रीज द एक्सीडिंग लिमिट, इन सीरीज देन लो वोल्टेज बल्ब फ्यूज फर्स्ट। जो लो वोल्टेज बल्ब है वो पहले फ्यूज हो जाएगा। इसी तरह पैरेलल के अंदर पढ़ लेते हैं। पैरेलल में हमने क्या कहा था भाई, जिसकी पावर ज़्यादा है वही ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। इसका मतलब इसके अंदर जिसमें ज़्यादा पावर जाएगी, जो ज़्यादा पावर को कंज्यूम कर रहा है वही तो सबसे पहले फ्यूज होना चाहिए ना। तो जिसकी पावर ज़्यादा थी, मतलब हाई वोल्टेज बल्ब, इसके अंदर क्या कहोगे आप, इन पैरेलल इफ पोटेंशियल इज मोर देन एक्सीडिंग लिमिट, देन हाई वोल्टेज बल्ब फ्यूज फर्स्ट। जैसे हमारे घर के अंदर कभी भी खराब लाइट आती है, ठीक है, हमारे घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अगर हमारे घर में कभी भी मान लीजिए हाई वोल्ट आ गई, तो हमारे घर में जो हाई अप्लायंस है, फॉर एग्जांपल फ्रिज है, या फॉर एग्जांपल गीजर है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक आयरन आपने लगा रखी है, जिनकी पोटेंशियल, ये जो जिनका वाट ज़्यादा है, जो ज़्यादा वाट पर काम कर रहे हैं, वो सबसे पहले ख़राब हो जाते हैं। जो कम वाट पर, जैसे कि 5 वाट का बल्ब है, 10 वाट का बल्ब है, ये जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं हमारे घर में, क्योंकि किस तरह का कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है। समझ आ गया भाई? तो मैं आज के लेक्चर में बस इतना ही, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है। अब इसका छोटा सा एक पार्ट बचा हुआ है जो हम कल के लेक्चर में कंप्लीट कराएंगे, जो 10 से 15 मिनट का लेक्चर बचा हुआ है, और इसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल भी कराएंगे। थैंक यू।